नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जो कि है हमारा जो अल्कोहल सेक्टर है। अल्कोहल से मैं अल्कोहल पीने के लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन दोस्तों ये भी सत्य है कि जो अल्कोहलिक लत है, जो ड्रग्स का लत है, अल्कोहल पीने का, दारू पीने का, शराब पीने का, वो कम नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग शौक से पीते हैं, बहुत सारे को लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस तरह की जो कंपनियां होती है, जैसे शराब किसी किसी राज्य में, किसी स्टेट में बैन हो जाता है तो वहाँ और महंगे शराब बिकते हैं, तो इसलिए इन सब कंपनियों के प्रॉफिट कभी कम नहीं होते हैं। तो जो कंपनियाँ काफ़ी अच्छी है, जिसका मार्केट पर पकड़ है, जिसको एक दो स्टेट में बैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप इन अल्कोहलिक सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्ट में रिटर्न से मतलब है, आपको अल्कोहल पीने के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं। मेरा बिल्कुल भी इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई भी शराब पिए, कोई भी अल्कोहल का सेवन करे। सिर्फ इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो ये जो सेक्टर के स्टॉक है इसमें कई सारी बेहतरीन स्टॉक है, जो कि हम चैनल पर पहले भी आपको कई बार बताए होंगे। रेडिको खैतान काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, चार्ट भी इसका काफ़ी सॉलिड है। लेकिन आपको ये बता दें, इस सेक्टर के स्टॉक में जैसे कहीं बैन होता है तो काफ़ी तेज़ गिरावट होती है, और जब गिरावट हो 200 डे के ईएमए को ब्रेक करके वो काफ़ी नीचे आ गया हो, तब आपको जो है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो इस सेक्टर के स्टॉक में यही है कि आपको हमेशा सस्ते वैल्यू के लिए बेट करना पड़ेगा। अभी सारे स्टॉक काफ़ी महंगे प्राइस पर चल रहे हैं, तो आपको सस्ते वैल्यूएशन के लिए बेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं तब आपको जब सस्ते वैल्यूएशन मिलता है उसी समय इन्वेस्ट करना है, और जब आप सस्ते वैल्यूएशन इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसका मार्केट कैप देखते हैं, मात्र 632 करोड़ का है। तो आपको मैंने पहले बोला, जितनी छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। आप जैसे मार्केट के लीडर स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आपको बजाज फाइनेंस हो गया, इन सारे स्टॉक में, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, तो इन सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क वहाँ कुछ नहीं रहता। किसी भी प्राइस पर आप इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि जब मार्केट में गिरावट हो, जिस समय डर लगता है स्टॉक को खरीदने में कि और ना गिर जाए, उसी समय आपको खरीदना है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो छोटे स्टॉक हैं इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है तो रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी स्टॉक में आपको रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। आप रिटर्न होगा वो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीपल हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होता है, आपका 50% तक कैपिटल जो है वो साफ हो सकता है अगर आपने सही से रिस्क मैनेज नहीं किया, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू है अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया। तो इसका मार्केट कैप है मात्र 632 करोड़, प्राइस है अभी 350 रुपीज, और ये अपना जो हाई बनाया है मतलब पिछले एक साल में वो 386 रुपये का, और जो लो बनाया है 122 का। तो देख सकते हैं यहाँ से भी आपका रिटर्न लगभग ये 3 गुना तक का रिटर्न दिया है जो भी इन्वेस्ट किए होंगे। और जो बात करें डिविडेंड यील्ड का, 0.29% का कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% और रिटर्न ऑन इक्विटी 29%। प्रमोटर्स होल्डिंग 58% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट का तो 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट है ये। और वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है मात्र 5 करोड़ 70 लाख का है, और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 193 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जबकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2 करोड़ 19 लाख का। तो दोस्तों ये कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फंडामेंटल्स का वो है। आप कंपनी के हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, कंपनी क्या कंसिस्टेंट रूप से अपना सेल्स को इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रही कंपनी का या नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, किस तरह से कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को बनाया है, किस तरह से कंपनी का कैश फ्लो जो है वो किस तरह से चल रहा है। तो इन सारी फंडामेंटल जो एनालिसिस होते हैं उसको जानना काफ़ी बेहतरीन होता है, तब हम टेक्निकल चार्ट पर जब अच्छे फंडामेंटल्स वाले कंपनियों को सस्ते प्राइस पर खरीदते हैं तो वहां से हमारा प्रॉफिट जो है काफी अच्छा आने की संभावना होती है। बात करें वही प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स था 2009 में मात्र था 97 करोड़ का, जो कि सेल्स देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यू रूप से इंक्रीज होते गया, और अभी जो सेल्स है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा।
क्योंकि अभी जो पैंडमिक है उसके कारण थोड़ा सा सेल्स डिक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत गिरावट होगी लेकिन लगातार कंटिन्यू रहेगा, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है अपने सेल्स को। अगर प्रॉफिट की बात करें, मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट था 2009 में, जो करके लगातार इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं प्रॉफिट का जो नंबर है लगातार इंक्रीज हुआ है और अभी प्रॉफिट जो लगभग 50 करोड़ के आसपास चल रहा है, इसके अराउंड थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के बैलेंस शीट को देख लीजिए, कंपनी का जो रिजर्व है वो देख लीजिए, रिजर्व भी कंपनी लगातार अपना इंक्रीज हुई। 33 करोड़ का रिजर्व था 2009 में, अभी रिजर्व पहुंच चुका है लगभग 190 करोड़ के आसपास। तो लगातार कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, कंपनी का लगातार रिजर्व भी इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से कंपनी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी में इन्वेस्टर की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी कुछ कंपनी के आगे के ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी मैनेजमेंट का आगे का गोल क्या है, इन सब चीज़ों को जानना काफ़ी बेहतरीन है। वहीं जो पब्लिक होल्डिंग है वो 41% है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो फेमस इन्वेस्टर डॉली खन्ना है, उनका भी इन्वेस्टमेंट इसमें था। तो कई सारे मतलब पब्लिक होल्डिंग में भी कई सारे फेमस नाम थे इस स्टॉक में। तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर की भी नज़र होती है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसमें चाहें तो आप किसी भी गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल में चलने का, एक अप साइकिल और एक डाउन साइकिल होता है इस सेक्टर का। कभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी न्यूज आता है कि इस मतलब अल्कोहल को बैन किया गया है किसी स्टेट में, तो जो कंपनी उससे ज़्यादा प्रभावित होने वाली होती है उसके स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने मिलती है, लेकिन वो टेम्प्रोरी गिरावट होती है। जब तक फंडामेंटल अच्छे हैं, गिरावट टेम्प्रोरी है, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के बारे में विशेष जानना हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, तो आप कंपनी के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंपनी का जो वेबसाइट है वो है associatedalcohols.com। तो यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो इसका जो फेमस ब्रांड है, आपने किसी को लेते देखा हो, आपको बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको लेना चाहिए सुपरमिन, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है टाइटेनियम जेम्स, और यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस, और यहाँ पर बॉम्बे स्पेशल विस्की। तो ये सारे फेमस ब्रांड है इस कंपनी के। अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मार्केट में डिमांड है, तो ज़रूर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम कंपनी के दिखाते हैं आपको कि लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, साथ साथ इसके लेवल्स और टारगेट को भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल चार्ट पर इसके लेवल्स और टारगेट को सही से नहीं जान लेते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है, कब इसे एग्जिट होना है। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एसोसिएटेड अल्कोहल्स ब्रेवरीज लिमिटेड मैक्सिमम चार्ट करते हैं, तो यहाँ पर चार्ट उपलब्ध है हमारा 2006 से अभी तक का रिटर्न देखिएगा तो 21,000% का रिटर्न है दोस्तों, 21,000% जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक बार ये स्टॉक यहाँ से भी काफ़ी ऊपर गया था जिस प्राइस पे अभी है, तो अगर वहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करता तो उसे और अच्छा खासा रिटर्न मिलता, 25,000% का रिटर्न मिलता, तो काफ़ी बेहतरीन था। वहाँ से काफ़ी गिरावट आया क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक था लगभग ये 420 रुपीज के आसपास चल रहा था, वहाँ से गिरावट आया तो कंपनी 100 रुपया पे आ गया। तो देखते हैं ये इस तरह की कंपनियाँ हैं, मतलब इस सेक्टर की जो कंपनियाँ वो इसके स्टॉक आपको इसी तरह देखने मिलेंगे, एक बार अप साइकिल में फिर एक बार डाउन साइकिल। अभी स्टॉक जो है अप साइकिल में है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा इस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब कंपनी के हम चार्ट की बात करते हैं तो ये हमने लगाया है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में कंपनी के स्टॉक के बिहेवियर, जो शेयर का बिहेव है, शेयर के प्राइस का किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाया था आपको गूगल पे, यहाँ पर देखिए जीरोधा में हमने चार्ट को ओपन किया है। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ज़रूर ओपन कर लीजिए। हम अपने सारे चार्ट को जीरोधा में ही देखते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया है कि आप डेली चार्ट यूज़ कर सकते हैं, वीकली चार्ट यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब भी ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये येलो लाइन है 200 डे के मूविंग एवरेज, देख सकते हैं नीचे आया था, तो जब जब 200 डे के मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आता है तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है। और अभी तो आपने देख रहे, जब जब ये अपना ऑल टाइम हाई पे चला जाए उस समय आप सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसी सिंपल स्ट्रेटजी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप ये स्ट्रेटजी लगाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे।
टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक काफी मतलब जो है वो वीक दिखता है, क्योंकि एक बार अप साइकिल और एक बार डाउन साइकिल में ये चलने वाला स्टॉक है। आपने यहाँ पर देखा कि ये स्टॉक जो है लगभग 420 रुपये के ऊपर जा चुका था, वहाँ से गिरावट आया तो ये स्टॉक का जो लो बनाया वहाँ से गिरावट आया तो 132 रुपये 130 रुपये और उससे भी नीचे यहाँ पैंडेमिक में आया था, तो यहाँ पर पैंडेमिक 120 रुपये तक आया था, वहाँ से ये स्टॉक का भी 380 रुपीस तक का जर्नी तय कर चुका है। तो इतना बेहतरीन स्टॉक है जो कि एक बार डाउन साइकिल में आता है तो 200 डे के मूविंग एवरेज के जैसे नीचे आए तो आपको बाय कर लेना है, क्योंकि 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जब जब आया है तो स्टॉक ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा समय तक नीचे सस्टेन नहीं किया है। देखिए यहाँ पर भी नीचे आया तो कुछ वीक तक मतलब कुछ मंथ तक 1 से 2 महीने तक इसके नीचे ट्रेड किया, फिर से ये इसी 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, फिर यहाँ पर नीचे आया मात्र देखने कुछ ही महीने में 5 से 6 महीने यहाँ ट्रेड किया और फिर से ये इसके ऊपर आ गया। तो लगातार ये जो है 200 डे के ईएमए को ब्रेक जब भी करता है तो उतनी ही तेजी से ये ऊपर चला जाता है, तो जब भी 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो आपको इन्वेस्ट कर देना है और जैसे अपने ऑल टाइम हाई बनाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, या आपको जब भी मन हो जैसा इच्छा हो आपका प्रॉफिट लेने का जितना प्रॉफिट लेने का वहाँ पर बुक करके आप निकल सकते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी जिसे मैं यूज करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।